हाँ मैडम जी, कहाँ जाओगी? अरे भैया लाल किला। सॉरी मैडम जी, मैं लाल किला नहीं भेज सकता, वो तो सरकारी है। अबे भैया वहाँ ले जाने के कितने रुपए लेगा? अच्छा छोड़ लेंगे, 20 रुपए लगेंगे, बैठो। भैया कुर्बानी के लिए कोई अच्छा सा बकरा दिखा दो। ए मैडम, ये है तो एकदम मोटा ताजी बकरा। ऐसा कमजोर सा बकरा दिखा रहे हो, कुछ खिला पिला के इसे सेहत तो बना लो पहले। और क्या, तो ऐसा रहिए खुद के अंदर 80 किलो वजन हो। अपनी तो सेहत बना ले पहले, बाद में देख लिए बकरों को। आज के बाद में रोटी नहीं चावल खाऊंगा। क्या बात हो गई ऐसी? अरे मोहल्ले वालों के ताने सुन सुन के थक गया हूँ मैं। रोज ये कहते हैं कि ससुराल वालों की रोटियां तोड़ता। सही है, चावल चावल बना लिए। वीडियो अच्छे लगे तो मुझे क्या हुआ? अरे रात तुम पूरे नशे में थे ना टुन, तुम्हें कैसे पता भाई? मैंने तो तुमसे बात भी ना करी। भाई साहब, जब तुमने रात एक लड़की को अपनी सीट ऑफर की थी ना, तभी समझ गया था मैं। कैसे? क्योंकि बस में सिर्फ तुम दो ही लोग थे। पूरी बस खाली थी, हम दो ही थे। और क्या अब यार, 3 पैक मार दिए ना रात, ज्यादा हो गई थी थोड़ी। चलो बैठो। होट, थैंक यू। अरे होट, थैंक यू सो मच। अरे होट, अरे पता है भैया मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ, थैंक यू। अरे मैडम जी, ये बंगाली है और ये कह रहे हैं आगे से हट। आगे से हट, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। अबे यार, ये तो वही है ना जो इंस्टाग्राम पर रील्स बनाती है। हाँ यार, लेकिन बड़ी ही गंदी शकल है इसकी, पता नहीं क्यों रील बना बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। अरे कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, वो चिड़िया को दाना डालने जा रही हूँ। आज तुम्हारी चिड़िया 3 दिन के लिए नानी के घर गई है। अरे ना यार, गलत समझ गई, वो वाली चिड़िया उड़ने वाली ना, पड़ोसन गई है 3 दिन के लिए अपनी नानी के घर।